नई दिन, नया टूर। नई एक्साइटमेंट के साथ आज के पहले टूर के लिए मैं निकल गया अपने होटल से। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माई ट्रैवल टेल्स। बताता चलो, मेरे होटल के एन सामने ही है ये स्टैचू, जो कि है यहाँ के एक रिनाउंड पोएट बुलाट ओकुजावा का स्टैचू। वेल, मैं मेट्रो से होते हुए द मॉन्यूमेंट टू साइरिल एंड मेथोडस, जो कि स्वैंसकाया में था, ये किताएगो रोड मेट्रो स्टेशन के एन सामने ही है। स्लोवेंस्काया स्क्वायर की पहचान है साइरिल एंड मेथोडस की ये स्टैचूज। ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे जिन्होंने इन्वेंट किया था ग्लैगोलिटिक एंड सिरिलिक अल्फाबेट्स, विच आर द ओल्डेस्ट नोन स्लाविक अल्फाबेट्स, एंड वर क्रिएटेड बाय दीज टू ब्रदर्स एंड देयर स्टूडेंट्स। टुडेज रशियन अल्फाबेट इज जस्ट वन ऑफ मेनी मोर और लेस सिमिलर सिरिलिक अल्फाबेट्स। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में है ये बहुत ही पुराना ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिसका नाम सरकोव विस्क्स, पढ़ लो यार, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा। एज इट वाज एन संडे वी जॉइंड फॉर द मास। फोटोग्राफी इनसाइड वाज नॉट परमिसेबल, बट इट वाज अ वेरी पीसफुल एंड काम। और सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा वो था, इट वाज सो वार्म इनसाइड, एज आउटसाइड इट वाज स्नोइंग सो हेविली। And today again, I witnessed the guard changing ceremony at Kremlin. I am very addicted to this one, really. हैवी स्नो में भी ये गार्ड्स पूरे तालमेल के साथ बेहतरीन तरीके से अपना ड्यूटी करते हुए बहुत ही खूब। अगर आप रशिया सीरीज के इनिशियल वीडियोस नहीं देखे हैं, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो चेक दोज फर्स्ट। Mesmerizing, really. और अगर हमेशा की तरह ये वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। Thank you.
और फिर अपनी सवारी चली क्रेमलिन के अंदर द ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में, जो कि है टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर के बिल्कुल ही बगल में, द स्टेट क्रेमलिन पैलेस। और ये वो जगह है जहां डिस्प्ले में रखी हुई है आर्टिलरीज जो रशिया ने दूसरे कंट्री के आर्मी से कैप्चर किया हुआ था। अगर आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अंदर कहीं बहुत ही अंदर पुतिन साहब का ऑफिस भी है, जहां वो अपनी आर्मी के हेलीकॉप्टर से आते जाते नजर आ ही जाते हैं। वेल नॉट लिटरली बट एटलीस्ट हेलीकॉप्टर दिख ही जाता है। इसी के साथ यहाँ है एक बहुत ही बड़ा कैनन, कैनन इज ऑल्सो नोन एज द जार कैनन। वैसे बताता चलूं, पुराने स्लोविक रूलर्स या मोनार्क्स को जार कहा जाता था। द जार कैनन इज अ वन ऑफ कैनन पीस कास्ट इन 1586। ये एक्चुअली एक डिस्प्ले पीस है, जिसे आप हाथी का दांत भी कह सकते हैं। ये दिखाने वाला है, खाने वाला नहीं। एज पर द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इट इज द लार्जेस्ट बॉम्बार्ड बाई कैलिबर इन द वर्ल्ड and it is a major tourist attraction in the Moscow Kremlin. This is the place where they kept the cannon, the Tsar cannon. और यहीं पे है एक बहुत ही बड़ा but टूटा हुआ bell. This is also known as the Tsar bell. यह 1737 century में बनाया गया था। वैसे बहुत पहले से try किया जा रहा था but 1737 में successfully बन पाया। It is made of bronze. The bell cracked during a fire after being completed and has never been rung. So again, ek hathi ka daant. The bell is the largest bell in the world. Iska wajan kareeb 18 ton hai. Aur size is pic se aap thoda bahut andaaza laga sakte hain. Darasal, jab ise banaya gaya, ye bilkul sahi bana tha. Ise cast se nikal kar ऑर्नामेंट्स सजाकर इसे पुल ऑफ किया जा रहा था, तब अचानक क्रेमलिन में आग लग गई और यह बेल जिस वुडन प्लैंक पे कूलिंग ऑफ के लिए रखा हुआ था, उसे खतरे से बचाने के लिए गार्ड्स उस पे ठंडा पानी डालने लगे और बेल पे करीब 11 क्रैक्स आ गए और फिर बेल का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने है। यह इसी हाल में 100 साल से ज्यादा मिट्टी के अंदर ही दबा हुआ था। This is the place where the Tsar bell is kept. और इसी क्रेमलिन के अंदर है आइवन द ग्रेट बेल टावर, डॉर्मिशियन कैथेड्रल, कैथेड्रल ऑफ आर्क एंजल। और हमेशा की तरह ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप चैनल से जुड़े रहें और आगे आने वाले एक्साइटिंग रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना के व्लॉग्स अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबैक हो या एक लाइन अप्रिशिएशन का लिखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर यूज़ करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो टिल नेक्स्ट, दसवीं दानिया।